सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सविताज पाठशाला। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये वर्ड तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी एक ऐसा सिक्वेंस ऑफ नंबर या फिर इंटीजर है जिसका जो डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं ऑड नंबर्स का। ठीक है, 5, 7, 9 एंड so on। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया है हमारा एपी, यहाँ पे देखो सारे जो कंसेक्यूटिव टर्म क्या होता है, जो पास पास में होता है ये सब। ठीक है, तो ये सब का डिफरेंस ना सेम है। देखो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए, और हम जो डिफरेंस है ये नंबर्स के बीच में, जैसे 3 और 1 से माइनस के तो बचा 2, 5 से 3। देखो सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, 5 से 3 को माइनस करेंगे, 3 से 1 को माइनस करेंगे, 9 से 7 को, 7 से 5 को, ऐसे ही हम माइनस करेंगे, पहले वाले से सेकंड को नहीं, सेकंड वाले से पहले वाले को। ठीक है, चाहे वो बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, सेकंड से हमें पहला वाला, ऐसे पीछे से आगे को माइनस करेंगे, पीछे से आगे। ठीक है, तो ये हमारा देखो कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है ना। डिफरेंस देखो सभी में 2, 2, 2 आ रहा है, तो ये एक एपी है जिसका भी सेम आएगा। ये डिफरेंस नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा जिस जिसका, वो सब एपी होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ऐसे ही एग्जांपल के लिए जैसे मैं ये ली थी, ऐसे और भी एपी लेके देखते हैं, जैसे एपी 2, 4, 6, 8 एंड so on। ठीक है, तो इसमें भी देखो 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो इसमें भी सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वो डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच में उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस हमारा वही 2 और है, सबका इक्वल है, यानी कि ये भी एक एपी है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पता करना है जिसमें भी वो जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने से वो जो डिफरेंस बन रहा है वो सेम आ रहा है, तो वो एपी हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी को हम एपी बोलते हैं। और एपी का एक जनरल टर्म होता है, देखो फर्स्ट को तो हम ए बोलते हैं, है ना, ए तो बोलते हैं, और सेकंड वाला हमारा डी है ना, डी है एक, तो डी अगर ए में ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म तो बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है 2 और डी है हमारा 2, डी ए और डी मिला के 4 बन रहा है, तो ऐसे ही ए प्लस डी इक्वल हो जाएगा इसके सेकंड टर्म के, है ना। थर्ड टर्म क्या बनेगा हमारा, देखो हमारा डी बढ़ते बढ़ते जा रहा है बट ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो हमारा वही रहेगा, और बट यहाँ पे ये देखो ए प्लस डी है 4, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे एक और डी एड हो रहा है, ए तो वही सेम ही है बट डी एक एक बढ़ते जा रहे, जितना आगे जाएगा एपी उतना एक एक डी बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 2D। तो यही हमारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये होता है हमारा ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है एपी का। तो जो भी टर्म बोला होगा, जैसे 19 टर्म बोला है तो ए लिख लेना, और जो डी है वो जितना टर्म बोला है उससे 1 माइनस करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 19 बोला है तो 18D, यहाँ पे 20 बोला होता तो ए प्लस 19D होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी मतलब जितना नंबर बोला होगा, जितना नंबर टर्न बोला होगा उससे 1 माइनस करके इंटू कर देना डी के साथ, तो वो बन जाएगा। तो इसका एक अलग भी फॉर्मूला है एन के फॉर्म में, क्योंकि
अगर जब हमें पता नहीं होगा कि कितने टर्म्स है तो उसे तो हम एन लेंगे, नेचुरल टर्म, नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो वो कैसे करेंगे, ए प्लस, क्योंकि एन यहाँ पे कैसे लिखे हम 20 - 1 × d, है ना, इसे हम ऐसे लिखे थोड़ा एक्सपांड करके, तो इस टाइप का बनेगा, है ही नहीं। तो वैसे इसे भी लिखेंगे, एन से हमें माइनस करेंगे 1, है ना, एन से अगर 1 माइनस करेंगे तो n - 1 बनेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है ए एन का, ठीक है, ए एन। ये तो हमारा ए एन क्या होता है, इसे हम लिखते हैं ए 20, इसे ए 19। ए के नीचे उतना नंबर लिख लेना जो कि तुम्हें पूछा होगा, जितना नंबर टर्म बोला होगा ए के नीचे उतना लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, ये है ए एन वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब हम बढ़ेंगे सम वाला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सम वाला क्वेश्चन क्या होता, जिसमें बोला होगा कि बहुत सारा टर्म ऐसे दिया होगा और उसका सम करने से कितना होगा पूछेगा। जैसे इसी को ही लेते हैं 2, 4, 6, 8, वैसे तो हम ये छोटा सा है तो गिन के कर लेंगे, बट जब बड़ा बड़ा नंबर दिया होगा तो उसे गिन के करने में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला निकाला गया है, एस एन वाला फॉर्मूला, ठीक है। एस एन इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल टर्म, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, ठीक है, एन बाई टू इंटू 2a + n - 1 × d, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और जो भी तुम्हें गिवन होगा उसको यहाँ पे ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। और दूसरा एक फॉर्मूला है जिसमें तुम्हें कॉमन डिफरेंस मतलब गिवन नहीं होगा और लास्ट टर्म, कभी कभी बोल देता है जो एपी नहीं देता है और पूछ देता है कि लास्ट टर्म दिया होता है और फर्स्ट टर्म और SN पूछा होता है, ठीक है। तो वैसे में हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली SN को, ठीक, कि जैसे फर्स्ट टर्म दिया है A, लास्ट टर्म N है और कॉमन डिफरेंस D दे दिया, तो ऐसे में हम निकाल सकते हैं, बट उतना मेहनत नहीं करके हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके A और N कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला बनेगा SN इक्वल टू n/2 × a + l। l क्या है, हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, l इक्वल टू लास्ट टर्म, वो एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो ही हमें गिवन होगा तो हम ये पुट करेंगे और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो ये पुट करेंगे, ठीक है। तो इजी वे में हम कर पाएंगे। और इतना ही है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगले वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।